Before I start this video, I want to tell a quick update about Rahul. Rahul is back to Delhi and uska sim bahut acche se gaya. Up now he can start flying as a normal pilot, line pilot. और हम लोग बार बार सिमुलेटर क्यों करते हैं इसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आज बात करते हैं विजुअल अप्रोच की. Before I start this video, I want to be very clear. मैंने बहुत कम technical चीज़ें बताई है. मैंने कोशिश की है video को interesting रखूँ और मैं आपको समझाऊँ कि exactly visual approach होता क्या है. There are two approaches. One is visual approach, one is instrument approach. There are two flight rules. One is VFR and another one is IFR. VFR stands for visual flight rules. IFR stands for instrument flight rules. इसके बारे में दोबारा बात करेंगे. VFR की बात करते हैं, विजुअल अप्रोच की बात करते हैं आज. और ये वीडियो बहुत कम टेक्निकल है और मैंने बहुत सी चीजें कवर नहीं की है. अगर आपको डिटेल में कुछ चाहिए आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट पे पूछ सकते हो. आई विल एक्सप्लेन यू. बाकी लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा जो एविएशन से नहीं है, जो सिर्फ फन के लिए देख रहे हैं वीडियो. एनीवेज स्टार्ट कर. तो टू एक्सप्लेन यू गाइस, विजुअल अप्रोच मैंने थोड़ा जुगाड़ किया है. ये कल हम लोग लेके आए थे और इसके ऊपर मैं रनवे ड्रॉ करूंगा. अच्छा, इसका जो पेपर है वो व्हाइट है और ये ब्लैक है. तो रनवे मार्किंग्स और कलर कोडिंग के ऊपर मत जाना. रनवे ब्लैक होता है और जो मार्किंग्स होती है वो व्हाइट होती है. तो यहाँ पे सब अपोजिट होने वाला है. तो थोड़ा जस्ट बेयर विथ मी. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रॉ द रनवे एंड देन आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ वी गो फॉर द विजुअल अप्रोच एंड व्हाट हैपेंड दैट डे व्हेन आई वाज कमिंग फॉर द लैंडिंग, हाउ द एटीसी क्लियर इज एंड हाउ वी पोजिशन आवर सेल्फ फॉर द visual approach. ये जो lines है वो threshold है और ये lines कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से runway की width होती है. ये सब का regulation है. उतने details में video नहीं बना रहा हूँ मैं. मतलब बाद में दो runways है, एक runway 27 left 27 right, opposite side में 09 left 09 right. So दो runway strips है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बना रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं हमें उतना सब तामझाम यहाँ पे बनाने की. तो आई एम जस्ट मेकिंग वन रनवे. सो दिस इज इज रनवे 27 लेफ्ट. लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये जो मार्किंग्स है वो कितनी बोल्ड होनी चाहिए या वो कहाँ पे होनी चाहिए, इस सबको लेके एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होते हैं और इसकी बहुत डीप रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. वो सब बनाऊंगा तो रनवे बनाने का एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा. सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट पार्ट. ठीक है, सो गाइस कंसीडर दिस एज अ रनवे 27 लेफ्ट. दिस लैपटॉप कंसीडर एज हैदराबाद एयरपोर्ट. और ये हमारा एयरक्राफ्ट. ओके, ऑल प्रिपरेशन डन, बट जस्ट बिफोर लैंडिंग वी नीड वन मोर थिंग. चेकलिस्ट क्यों लगेगी, किस लिए लगेगी, ये मैं बताऊंगा जब हम लोग लैंडिंग करेंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर रनवे, दिस इज आवर एयरक्राफ्ट, वी वर हियर. सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू कम फॉर द लैंडिंग यू हैव टू डिसेंड टू योर सर्किट ऑल्टीट्यूड. सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिपेंड ऑन द विजुअल पैटर्न. एक तरीका होता है ज्वाइन करने का, हर एक एयरपोर्ट का अलग होता है और डिपेंड ऑन एटीसी कैन गिव यू द स्पेसिफिक पैटर्न ऑल्सो टू ज्वाइन द विजुअल पैटर्न. So that day what happened, when coming for the visual approach, they cleared us for the visual approach. What we did, we descend to the circuit altitude. The circuit altitude is a specified altitude where you have to descend to initially carry a certain height hoti hai, uske upar aapko hona hota hai to carry out your visual approach. So for Hyderabad, circuit altitude is 3600 feet. Again, this can vary depending on which aircraft you are flying and which airport you are flying. Anyways, for us is we have to be 1500 feet from ground. So जब airport है उसके airport से 1500 feet पे होना जरूरी है. तो एक जो airport की खुद की height है वो 2000 feet है plus 1500 feet. तो our aircraft instrument will reach 3600. Now this is again complicated thing. अरे नीचे कैसे उतरे? I'll try to make it easy.
सो व्हेन वी कम फॉर द लैंडिंग, तो हम जो हाइट चेक सेट करते हैं एयरक्राफ्ट में, वो जो हाइट होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है सी लेवल से, नॉट एग्जैक्टली अबव द ग्राउंड. क्योंकि एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, अगर ये सी लेवल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सी लेवल, तो सी लेवल से हैदराबाद कुछ तो ऊंचाई पे होगा. उसकी हैदराबाद की ऊंचाई जो एयरपोर्ट की ऊंचाई है वो है 2028 feet, इट्स अ हैदराबाद एयरपोर्ट एलिवेशन. सो व्हेन वी कमिंग फॉर द लैंडिंग वी कीप आर हाइट इन ऑल्टीमीटर इज 3600. तो ऑल्टीमीटर इक्विपमेंट होता है जो हाइट बताता है एयरक्राफ्ट में, जो हाइट मेजर करता है रेफरेंस डेटम से, जो भी हम उसे सेट करते हैं. तो हमने जो रेफरेंस डेटम सेट किया है वो किया हुआ है सी लेवल के लिए. फ्रॉम सी लेवल इफ एयरक्राफ्ट इज 3600 feet, फ्रॉम ग्राउंड द एयरक्राफ्ट इज 1500 feet. सो व्हेन वी लैंड ऑन द रनवे, तो हमारी जो एयरक्राफ्ट की जो ऑल्टीमीटर की रीडिंग होनी चाहिए वो होती है 2028, क्योंकि अभी हम जमीन पे हैं. तो एयरक्राफ्ट क्या रीड कर रहा है? रनवे का एलिवेशन. इफ यू अंडरस्टैंड वेल एंड गुड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फॉरगेट इट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी हैव सर्टेन हाइट व्हेन यू आर लाइक क्लोज टू द रनवे, एंड वी आर कमिंग लाइक दिस, वी विल टर्न एंड फ्लाई पैरेलल टू द रनवे. Once end of the runway, we approximately fly depending on the winds and the company and the aircraft speed. For consider 1 minute. At this point, I'm going to take my flaps. Okay, flaps for 15 degree because I have to configure my aircraft for landing. So before taking the flaps, depend on the airline operation procedures and the aircraft, you have to inform your cabin crew for the landing. So when you travel as a passenger inside the cabin, you guys must hear this sound from the cockpit. Cabin crew, take your seats for landing. So we inform cabin crew, we will land in like another 1 or 2 minutes. So take your seats for landing. So that thing is done. When you are here, we already take our flaps 15. हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग के जो इनिशियल फ्लैप सेटिंग उसको सेट कर दिया फ्लैप 15, सो वी कैन रिड्यूस मूव. When you're coming to the close to the airport, you have to reduce and make the aircraft into, you know, slope and get into the landing configuration. The first thing we did, reduce to flap 15, then gear, the landing gear down. So next thing we do, the gear down and you turn towards the runway. Okay, now I can see the runway visually. So we are carrying out today visual approach. So we can see the runway visually. And then we go for the flap 30. Here, depend on my height and distance, I can decide descend, not to descend, depend on my distance, height, and how far I am from the airport. So once I commit to land on the runway 27 left, I decide to take flap 30 and start turning towards the airfield. When I'm coming for the landing, now I have done everything which required to एक एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड. मैंने सब कुछ कर लिया, पूरी प्रोसीजर्स कंप्लीट कर ली टू गेट द एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड. सो जस्ट बिफोर द लैंडिंग द पायलट, देयर इज टू पायलट्स राइट, सो वन पायलट इज पायलट फ्लाइंग, वन पायलट इज पायलट मॉनिटरिंग. सो पायलट फ्लाइंग विल आस्क फॉर अ चेकलिस्ट, ओके, एंड ही विल बी लाइक ओके बिफोर लैंडिंग चेकलिस्ट. सो वी डू एग्जैक्टली लाइक दिस एंड देन आई एक्सप्लेन यू हाउ इट इज. कैबिन क्रू एडवाइस, लैंडिंग गियर down 3 green, flaps 30, power management, take off, tail low speed, low speed, icing your lights, no lights, external lights, all on, before landing checklist completed. Okay, कुछ भी नहीं समझ में आना, I'll tell you exactly what we do. अब before landing, हम लोग ने जो भी procedures की, वो हम एक बार check करते कि हमने की कि नहीं की, and it will be challenge and response. तो captain will challenge me with the checklist, cabin crew which we advise, so I'll say advise, then captain will say landing gear, I'll check, he'll also check gear down 3 green means all gears are down and locked, flaps, next is flaps, flaps 30, I'll say check and we both check, so on, so we'll not miss anything. So now our landing checklist is confirmed, complete. So now this guy, our little friend, will tell us ki runway is clear, you can come for the landing. And it will sound like this with my call sign. It will be saying, you are clear to land for runway 27 left. We'll confirm the same thing by saying, we are clear to land for runway 27 left. Now we are here. For any reason, we are slow or kuch bhi delay ho gaya, koi distraction aa gaya, and 500 feet above the ground,
अगर हमने इसमें से कोई भी चीज नहीं की, फॉर एग्जाम्पल हमने चेकलिस्ट करने भूल गए बट हमने सब कुछ किया, वी कैन नॉट कंटिन्यू कैरी आउट दी अप्रोच एट 500 फीट. इफ यू डोंट अचीव, इफ आई एम नॉट एबल टू अचीव माई लैंडिंग स्पीड ऑल्सो, आई एम नॉट सपोज टू गो फॉर द लैंडिंग. तो इस टाइम पे अगर मैंने, मतलब सब कुछ हो गया, मुझे लग रहा है सब कुछ परफेक्ट है एट 500 फीट, अगर मैंने हर चीज परफेक्टली नहीं की है, इसमें से एक भी चीज मिसिंग है, वी कैन नॉट डू की अरे 2 मिनट का काम है ये करके वी कैन कंटिन्यू लैंडिंग. नो, वी हैव टू गो अराउंड. यू कैन नॉट कमिट टू लैंडिंग. सो फॉर ए विजुअल अप्रोच एट 500 फीट इज योर डिसीजन हाइट. द पायलट मॉनिटरिंग विल टेल यू ओके नाउ यू आर 500 फीट. So you have to say, okay, everything is perfect, stabilized, you are continuing and committing for the landing. If not, you cannot land, you have to go around. So this is about visual approach. अब जितनी भी values मैंने use की है, ये vary होती है company to company, airline to airline, airport to airport. हर एक airport की landing की, takeoff की एक particular procedure होती है, और हर एक airline का visual approach का criteria होता है. If you have to follow that particular procedure. But in India, if you want to carry out the visual approach, generally it will look like this. Or instrument approach, you have to fly with help of instrument and you don't need to have good visibility to land. You can seriously land in very, very bad visibility and your landing will be bang on. That's why we have lots of instrument installed at Delhi, Mumbai and all major airport where there is a chances of poor visibility and there are chances of very bad weather. Finally on ground. अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि विजुअल अप्रोच क्या होता है. वी लुक आउटसाइड रनवे दिखा, वी डिसेंड आवर सेल्फ, गेट ऑन द प्रोफाइल एंड वी लैंड विजुअली. सिंपल. ओके, बट मोस्ट ऑफ एयरलाइन एंड मेनी ऑफ अस, स्पेशली जो एयरलाइन फ्लाइंग होती है वो पूरी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होती है, क्योंकि वी फ्लाई इन ऑल वेदर कंडीशन. जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, विजुअल अप्रोच कैरी आउट करने के लिए आपको रन में देखना बहुत जरूरी है. बहुत ऑफ टाइम में हमको रन में दिखता ही नहीं है. वी ऑल फ्लाई ऑन बिलीव ऑन डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट. सो वी मोस्टली डू विजुअल इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग. एंड इमेजिन हर एक एयरक्राफ्ट को अगर by himself have to come down, position himself for the landing, it will take more time and the other aircraft have to wait with the very long distance. So jab airports like Mumbai, Delhi, Hyderabad, Chennai, jo busy airports hai yahan pe ye sab karna bahut mushkil hota hai, to usi liye hum log kehte hain instrument flying jo bahut precise hoti hai. Aur wo kaisi hoti hai, I'll tell you if I find out any interesting way to explain you guys, kyunki my motto is not to give you the technical knowledge, I want to give the right knowledge and knowledge which is like a little fun to know about aviation. Now you guys know how we come for the landing, how we configure ourselves, and there are lots of procedure before landing. That's what my actually motto is. Anyways, ये वाला वीडियो एंड करने के बाद मेरे पास है ना, मतलब एक चीज़ मेरे को स्ट्राइक हुई कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करोगे या कमेंट पे मुझे पूछोगे तो मैं आपको कितना ही समझा पाऊँगा, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ट्रेनी पायलट हो, अगर आप स्टूडेंट पायलट हो, आपको इस चीज़ से रिलेटेड, ऑटोमीटर सेटिंग से रिलेटेड, QNH से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट यू गाइस कैन डू, आप मेरे को इंस्टाग्राम लाइव पे पूछ सकते हो. जिस दिन ये वीडियो लाइव करूँगा मैं यूट्यूब पे, उसके दो दिन बाद आई विल कम ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड विल कीप द टॉपिक विजुअल अप्रोच. और आपको, आप एविएशन से नहीं हो, आपको फन के लिए कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो, बट विल कीप इट लाइक विजुअल अप्रोच, है ना. तो इससे क्या होगा, मैं और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा और जो नॉन टेक्निकल चीज़ें मैंने कवर नहीं की है उसे भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा. दिस इज़ गुड, हाउ स्मार्ट आई एम, है ना. एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड ट्रस्ट योर पायलट.